जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पहली बार मुठभेड़ हुई। बारामूला में हुए इस एनकाउंटर में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर शहीद हो गया जबकि दूसरा घायल हो गया। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी ढेर कर दिया। मंगलवार की शाम से ही शुरू हुआ यह एनकाउंटर अब पूरा हो गया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। वहीं मारे गए आतंकी की पहचान की जा रही है। बारामूला राजधानी श्रीनगर से करीब 54 किलोमीटर की दूरी पर है। सूत्रों के मुताबिक इस एनकाउंटर में 2 से 3 आतंकियों को CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने घेर रखा था। खुद को घिरा हुआ देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें SPO बिलाल शहीद हो गए जबकि SI अमरदीप परिहार घायल हो गया। फिलहाल उनका इलाज आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। इस महीने की 5 तारीख को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा लिया गया था। इसके बाद से ही यहां पाबंदियों के बीच माहौल बेहद शांत था। तो दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट्स। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।